आज है 27th of February और बर्फ ना बहुत ज्यादा गिर चुकी है, एकदम वाइट हुआ है। पर आज जो मौसम काफी साफ है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है पहाड़ों पर और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज ना टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन है, इतनी ज्यादा ठंड है ना कि सुबह ना उठा ही नहीं गया। और अभी 7:30 हो चुके हैं और अब मैं गाय के पास जा रही हूँ, बिकॉज बिल्कुल सब कुछ चिल्ड हुआ पड़ा है, फ्रिजी हुआ पड़ा है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, फिर आज का हमारा जो वर्क रहेगा, बिकॉज परसों शिवरात्रि है 1 तारीख को और हम लोग जो है 2 दिन में कंटिन्यू जो है, मतलब शिवरात्रि के जो पकवान होते हैं वो बनाते हैं। तो कल भी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो हमने पिछले 2 दिनों में कंटिन्यू जो है सफाई कर ली थी, तो आज जो है कपड़े धोने को है, तो आज हमारा काम जो है कपड़े धोने का ही रहेगा। तो मैं चली जाती हूँ पहले गाय के पास और थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से सारा का सारा जो है फ्रिजी पड़ा है। ये देखिए जी, कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। आप ये देखिए, छत पे देखो कितना नीचे आया हुआ है। ये देखिए, ये बाथरूम वाली साइड है, ये देखिए कितना ज्यादा दुबारा, मतलब अब तो पता ही नहीं कि कितनी बार जो है पड़ चुकी है। और यहाँ से देखिए, ये ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और जो पहाड़ों पे लग रहा है ना, एक मिनट में थोड़ा आपको, ये देखिए मुझे यहाँ से जो है जाना है, अभी डॉग ही गया बाकी नहीं गया है। देखिए जी, कितना ब्यूटीफुल सुंदर सा नजारा है हमारे पहाड़ों का। तो भैया मैं चलती हूँ, ये देखिए कितनी बर्फ है और ये देखिए पूरे डूब पड़ रहे हैं। ऐसे करके जाना पड़ता है। और ये देखिए छतों पर से जो है बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुकी है। और जो मौसम है ना, ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए कैसा लटका हुआ, ये कभी भी नीचे गिर सकता है और एकदम जो मैं दब भी सकती हूँ, इसलिए फटाफट जाती हूँ। इस साइड से देखिए, इस साइड से गिर चुका है, वो देखिए वहां पूरा इकट्ठा हो चुका है। तो ये देखिए जी, कितना ब्यूटीफुल नजारा है, ऐसा लग रहा है ये देखिए, मतलब ऐसे डायमंड से चमकते हैं जब इसके ऊपर सन की रेस पड़ती है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड चमक रहे हो। ये देखिए किस तरह का नजारा है और सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा ही रहता है, पता नहीं चलता कि कब जैसे जो है यहाँ पर मौसम खराब हो जाएगा और कितनी बर्फ पड़ेगी, कोई आइडिया नहीं रहता। ये देखिए, मैं अभी गाय को घास वगैरह दे दी थी और ये देखिए, ये ना ऊपर डायरेक्ट जो है बर्फ छत से गिरी और मैं बच गई थोड़ी थोड़ी, नहीं तो दब जानी थी। ये देखिए अभी भी ऊपर मैं देख, ये देखिए इस साइड से अभी गिरने वाली है और मुझे ना फटाफट जाने वाली। ये देखिए सारी की सारी लग गई इधर, उफ। यहाँ पे ना ऐसे रहता है रिस्की, कई बार क्या होता है, आप चल रहे थे और ऊपर से एकदम गिर जाए ना, तो बस आप दब भी सकते हो। तो भैया काफी टफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने जो यहाँ पर सामने बर्फ गिरी हुई थी वो जो है ऑलमोस्ट साफ कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो बुआ जी यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं और आमा जी और मेरे हस्बैंड जो है बाथरूम में है, मतलब कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है काफ़ी टाइम से थोड़ी ख़राब सी पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया उसमें, अभी देखते हैं चलो कि उसमें क्या हुआ है। अरे ये तो चीज़ है, ये देखो है, हाँ यहाँ से दिख रहा है, ये कपड़ा है ना, इसमें कुछ फंसा हुआ कपड़ा, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से देखो है। तू ना आने पर छोड़ और दो, एक तो ना ठो ने ओ ठंडा पानी ना, हां अरे बाजू नहीं वे जाती इसमें सके, ए तू पूछो छोटा है ना, दू ना इसको यहाँ से नहीं ना खोल रहा, यहाँ से खोलता नहीं है। तो खोलो ना, देखो तो सही एक बार, नहीं तो
नीचे लगाना है, नहीं लग रही। फाइनली मशीन को खराब करने वाला शख्स मैं ही निकली। अब यार ये तो कपड़ों के साथ गया होगा, मन क्या कोई। मैं भी सोचूं मेरे मास्क कहाँ जाते हैं। वो इसमें फंसे हुए। मेरे दोनों बोलिए कुछ बोलना चाहेंगे आप। वो कास्ट रिसोर्ट से ये कहाँ निकले, ये निकलते सब ये लगा। मेरे मास्क, चलो फाइनली ठीक तो हो गई। मैं जा रही ना अपने काम में। तो यहाँ पर जो है मशीन का जो स्पिनर होता है उसमें जो है मास्क फंसे हुए थे और दोनों मास्क ना मिले थे, तो इसीलिए सबसे डांट जो है ना सिर्फ मुझे ही पड़ी। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत अमेजिंग था यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जो है मेरे मास्क ही उसमें फंसे हुए होंगे। और सब ने मुझे बहुत डांटा, बहुत मज़ा आया डांट सुन के। और ये देखिए जी, अब हम तीनों जो है उसके बाद धो रहे हैं कपड़े। आपने देखा था पिछले दो दिनों में हमने सफाई की थी और दो रूम्स और किचन के कपड़े थे वो हमने आज ही मतलब एक दिन में धोए हैं। और यहाँ पे मतलब पहाड़ों में ऐसा होता है कि शिवरात्रि के लिए आप लोगों को पूरे घर की जो है सफाई करनी होती है, तो वही होता है। हमने पहले दो तीन दिन जो है सफाई की, फिर उसके बाद जितने भी कपड़े थे इकट्ठे किए हुए धोने के लिए वो हम लोगों ने आज धोए, बिकॉज आज काफ़ी अच्छी जो है धूप खिली हुई है। बेशक बर्फबारी है, मतलब गिरी हुई थी पिछले कल काफ़ी ज़्यादा, तो वो अभी भी आप देख सकते हो एज इट इज जो है पहाड़ों पे आपको दिखेगा, साथ साथ में कितनी जो है स्नोई जो है पहाड़ आपको दिख रहे हैं, वाइट ही वाइट दिख रहा है। हम लोगों को जो है ऐसे ही वर्क करना होता है, धूप कभी आती है कभी एकदम मौसम ख़राब हो जाता है और बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। और इस बार तो जो बर्फ़बारी ने सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी जो है हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को।